बिल्कुल ठीक है लगन शुक्र, और मैं ग्रहजान आ गई एक और नया व्लॉग लेकर, और आज मैं इतना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो क्यों हूँ वो इसलिए कि आज रखा है मेरे बेटे ने पहला रोज़ा। तो मेरे बेटे ने आज पहला रोज़ा रखा है भैया। तो ये कि आज हम रोज़ा हुजाई तो नहीं कर रहे हैं, रोज़ा हुजाई तो हम बाद में करेंगे, पर उसने पहला रोज़ा रखा है तो हम जो है ना आज बहुत खुश हैं। मतलब अल्लाह ताला ने ये वक्त भी दिखाया कि मेरा बेटा माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया और आज खुद ही से ही पहला रोज़ा रख लिया। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे ज़ैन की रोज़ा हुजाई, क्योंकि अभी ज़ैन छोटे हैं और अभी ज़ैन जो है वो छठे साल में, तो छठे साल में कोई रोज़ा नहीं होता फर्स्ट, पर ज़ैन ने अपनी खुशी से रखा तो हमें बहुत खुशी हुई बहुत ज़्यादा। तो हम ज़ैन के लिए कुछ तैयारी करते हैं, मतलब ज़ैन को फ्राइज़ बहुत पसंद है तो फ्राइज़ बना लेते हैं, स्पैगेटी अच्छी लगती है स्पैगेटी बनाते हैं और अपनी वही एहतमाम करते हैं। और हमने बड़ी तो की नहीं आज, तो ज़ैन ने ऐसे ही रोज़ा रख लिया तो मतलब घर में ही कर लेते हैं, ज़ैन को खुश करते हैं, ज़ाहिर है इतनी खुशी की बात है। फिर जब बड़ी करेंगे तो सबको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने कहा चलो आज हम घर में ही अपने बेटे का दिल खुश कर देते हैं, तो चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। बेसन तो मैंने फेंट दिया है और स्पैगेटी के लिए मैंने चिकन विकन कटिंग कर लिया, मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, स्पैगेटी की मेरी चिकन जो है कटिंग हो चुकी है और स्पैगेटी निकाल के लाते हैं, आलू मेरे कटिंग हुए हुए हैं बिल्कुल ठीक है, बेसन भी मैंने फेंट लिया है। तो हम आ गए अपनी स्पैगेटी की तरफ, ये मैंने स्पैगेटी बॉईल करने रख दी है ठीक है, हम थोड़ी ही बनाएंगे क्योंकि ज़ाया ना हो, और मैं और ज़यान ही खाएंगे बस। तो और ये मैं अब मसाला बनाऊंगी क्योंकि ज़यान को जो है ना वो स्पैगेटी वेजिटेबल्स वाली अच्छी नहीं लगती, सिर्फ चिकन हो और स्पैगेटी हो बस। तो जैसा वो खाएंगे आज उसी हिसाब से बनाएंगे, तो बनाते हैं। अब मैंने जो है ये टिक्का मसाला थोड़ा चिकन पर डाल दिया है, मतलब लगा दिया है, सॉरी यार। मैंने डाला नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और मैंने टिक्का मसाला डाला है जो मैक्रोनी का ही होता है वो ठीक है। और अब हम जो है लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर ये चिकन और फिर डालेंगे काले मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस का, फिर आखिर में केचप और फिर स्पैगेटी मिला देंगे, जबरदस्त बन जाएगी जबरदस्त। तो बनाएंगे आपको। ये मैंने चिकन डाल दी है और इसको हम फ्राई कर रहे हैं, फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि चिकन हमारी गल भी जाए 5 मिनट के लिए, हम कैप भी लगाएंगे। और इधर अपने स्पैगेटी को चेक करते हैं वो कहाँ तक हुई और देखते हैं। और ये मैंने काली मिर्च डाल दी है और हम डालेंगे चिली सॉस और सोया सॉस, सरका हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि यार मुझे खट्टी जो है ना स्पैगेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खट्टी खट्टी हो रही होती है ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो डालते हैं फिर रेडी करके आपको दिखाते हैं। और जी जनाब स्पैगेटी मेरी रेडी हो गई है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए स्पैगेटी रेडी हो गई है। और मैं मीठे दही बड़े के लिए पानी बॉइल करने रखा है, ऑयल भी गर्म करने रखा है, छोले बनाते हैं और पकौड़े बनाते हैं हम पालक के ठीक है, और करते हैं अपनी तैयारी इफ्तार की। और ये दे जयान, जयान फर्स्ट रोज़ा, आप सब भी मुबारकबाद दें जयान को। ओ टाइम पे खड़े होने का यही तो फ़ायदा होता है, देखें मैं टाइम पे खड़ी हो गई, मीठे दही बड़े मेरे रेडी हो गए और मैं दिखाती हूँ आपको, छोले भी मेरे बस रेडी ही हैं, फ्राई कर लूँ बस इसको, फिर निकालते हैं छोलों को अपने। और मैंने कल भी मीठे दही बड़े बनाए थे और आज भी बनाए हैं कि मम्मा मेरी जो है मतलब सासू माँ जो है वो शौक़ से खाती हैं, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ और ज़यान के लिए भी मैंने कहा बना लेती हूँ। तो हम ये दो चीज़ें तो रेडी हो गई हैं और तेल मेरा गर्म है, हम तलते हैं अपने पकौड़े और उसके बाद अपना मैसी किचन साफ़ करेंगे। ये देखें मैं आपको सब दिखाऊं, कुछ नहीं छुपाऊं आपसे, ये देखें ये देखें ये देखें, है ना फैलावा मेरे लिए।
और कोई बात नहीं, समेट लेंगे जल्दी से। मुँह से तो बोले थैंक यू, मिल गया। ये मेरा बेटा को, ये वाला। तो जी हो गई है हमारी तैयारी फुल, ठीक है, अफ्तारी की। और मैं आपको दिखाती हूँ, और हमने जैन को हार बार पहना दिया, जाहिर है खुशी की बात है। तो सब बैठे, ये अजान, बेजू, मम्मा, बाबा, और ये अफ्तारी, और ये खुसूसी जैन की फरमाइश। क्या ये रोजा हमारा खुल गया है, और चाय वाय पी के हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। जैन साहब जो है वो बहुत खुश हैं, और खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। उसके बाद जो है हम बैठ गए, फ्री हो गए बिल्कुल। अब वो सो चुके हैं नीचे अपनी दादी के पास जाके, वो सो चुके हैं, और मैं जो है वो फ्री बैठी हुई थी। तो मैंने कहा, और आज सैरी का कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या बना के खाएंगे, शायद टमाटर वाला अंडा खा लें या चावल बना लेंगे, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं क्या बनाते हैं। कल तो हमने आलू का पुलाव बना के खा लिया था, मटर का, तो अब देखते हैं क्या खाते हैं। करते हैं अपने प्यार से व्लॉग का एंड, और आज तो बहुत ही मज़ा आया, जैन ने अनएक्सपेक्टेड रोज़ा रखा, बहुत मज़ा आया आज। और अपने व्लॉग का एंड करते हैं एक अच्छी बात के साथ। फूल तो बहुत हैं मगर गुलाब की बात और है, फूल तो बहुत हैं मगर गुलाब की बात ही और है, महीने तो बहुत हैं मगर माह रमज़ान की बात और है। माह रमज़ान में अल्लाह ताला कहता है कि, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कमी पेशी अल्लाह ताला माफ़ करें, कि आप जो है इतना अच्छा महीना दिया है, मांग लो अपने लिए मगफरत की दुआ। तो आपको हमको अल्लाह ताला तौफीक दे, और बहुत ही अच्छे रोज़े जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो इसी के साथ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सोचते हैं ना, कंटेंट तो बहुत है यार, मतलब कुछ ना कुछ रोज़ आपको पता है डेली व्लॉग में तो डेली होता है, क्या हो रहा है डेली, हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ, क्या, कैसे, सब कुछ आपके साथ है और आपके साथ रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।